वगैरह पूरा चलती रहती है। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे वगैरह घूमने के लिए, और ये आपको ना पूरा यहाँ पे बच्चे का मेला लगा है, बच्चे का पूरा आपको मैं उधर आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ और वो आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। और ये आपको मैं दीवार आपको अच्छे से नहीं दिखाया, तो मैं अभी चलता हूँ पीछे और पूरा आपको यहाँ पर कवर करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये बच्चे वगैरह खेलने के लिए, मैं पूछता हूँ यहाँ पर क्या चार्ज है। भाई भाई लो सुनो ना, क्या चार्ज लगता है इसका? 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ में कितना जन बैठ सकते हैं? 60 रुपीज़ में पर पर्सन। पर पर्सन एक पर्सन में 60 हो। कितना चक्कर घुमाते हैं आप? दो चक्कर होता है। दो चक्कर में मतलब 60 रुपये में 2 चक्कर। और बच्चे का ना 2 साल के ऊपर का बच्चा रहेगा ना, हाँ, तो उसका टिकट रहेगा 2 साल का ना। चलो ठीक है। दोस्तों ये आपको दिख रहा ना, ये पूरा गार्डन है। यहाँ पे एक गाड़ी है लंदन बस, तो इसको भी पूछता हूँ इसका क्या प्राइस है। और ये जो लंदन बस है इसका भी प्राइस पूछते हैं। भाई आप घुमाने का कितना प्राइस लेते हो? 50 रुपये पर पर्सन। 50 रुपये कितना जन बैठ सकते हैं आपकी गाड़ी पे? हम लोग की गाड़ी पे हाँ ना, ये कितने भी बैठ सकते? 15 जन को लेकर घुमा सकते हैं आप? हाँ, इधर भी बैठ सकते, ऊपर भी बैठ सकते। हाँ, लेकिन ज़्यादा घूमने के लिए सब ऊपर ही बैठता होगा। हाँ। वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग वीडियो, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ मीरा रोड स्टेशन में, और मैं यहाँ से आपको ना लेके चलूँगा। आप देख सकते हैं मैं हूँ मीरा रोड स्टेशन में। वंडर पार्क से ना, सेवन वंडर पार्क कहलाता है, उसका नाम है सेवन वंडर पार्क। और वो पार्क में लेके चलूँगा और वहाँ पे आज वहाँ का ब्लॉग आज आपको दिखाऊँगा कि वो पार्क कैसा है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ मीरा रोड स्टेशन में। आप देख सकते हैं ये है मीरा रोड स्टेशन, और यहाँ जो आपको ना ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ये देश के जो आर्मी है ना वो उसका स्टैचू बनाया है, और हाथ में राइफल है और तिरंगा झंडा भी है। और ये है मीरा रोड स्टेशन, और यहाँ पे लिखा है आई लव मीरा रोड। ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ये। और मैं अभी हम उसी जगह पर हैं, और यहाँ से अभी चलेंगे, आपको सेवन वंडर पार्क आपको दिखाएँगे। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ मीरा रोड की फेमस गार्डन सेवन वंडर पार्क। तो वीडियो में बने रहें कंटिन्यू। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ सेवन वंडर पार्क के अंदर। अगर आप यहाँ पर अंदर आओगे ना तो आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ताजमहल। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये है ताजमहल, और ये ताजमहल का मैं बाहर में हूँ। आप देख सकते हैं ये ताजमहल ना आगरा में बनाई गई थी, शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में अपने ताजमहल को बनवाया था। तो ये ताजमहल यहाँ पे दर्शाया गया। मैं आपको चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ताजमहल का आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। ये सेवन वंडर पार्क है ना, जो यहाँ पे दुनिया के 7 अजूबे इस गार्डन में मौजूद है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर ये ताजमहल का ना पूरा आपको पूरा चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ। ये देख सकते ये पीछे साइड है, और मैं आपको पूरा इधर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते ताजमहल का पूरा ब्लॉग आप देख सकते हैं, ये ताजमहल है। अभी हम यहाँ पर ना जो सेवन वंडर पार्क है उसके यहाँ पे ताजमहल दर्शाया गया। हेलो लोग, कैसे हो ब्रो? ठीक हो? क्या देख रहे हैं, ये ताजमहल है? हाँ भाई, आपको पता है? हाँ भाई पता है। कहाँ है, कहाँ पे बना वो ओरिजिनल ताजमहल? कहाँ पे? ओरिजिनल ताजमहल आगरा में बनाया भाई। अब क्या लगता है आपको कि मैं किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया, मुमताज ने बनाया? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बनवाया था अपने मुमताज की याद में, उसके कंफर्म है वाइफ थी। तो क्या लगता है आपको, वाइफ नहीं होगी? आप बताओ मेरे को, तो कंफर्म आप बताओ कि मुमताज उनकी वाइफ थी या शाहजहाँ उनकी वाइफ थी? कौन था? शाहजहाँ उसके हस्बैंड था, शाहजहाँ हस्बैंड था, मुमताज उसकी वाइफ थी। नहीं सही। तो दोस्तों ये रहा ताजमहल, और आप यहाँ पे सबसे पहले इस गार्डन पे आओगे ना तो आपको सबसे पहले ये ताजमहल देखने को मिलेगा। आपको ये दुनिया के 7 अजूबे आता है। तो ये आगरा में बनाया गया ओरिजिनल, और यहाँ पे इसका ना कॉपी बनाया गया ये गार्डन में। ये मीरा रोड गार्डन है, यहाँ पे इसका कॉपी बनाया गया। आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो आपको सबसे पहले आप गार्डन आओगे ना, अगर एंट्री मारोगे गार्डन, तो आपको सबसे पहले ताजमहल नहीं, आपको ये दीवार देखने को मिलेगा, कोलोजियम देखने को मिलेगा, जो दोस्तों इटली में मौजूद है। लेकिन ये इसका कॉपी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इसका कॉपी है। तो मैं अभी आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये कॉपी है। और ये कोलोजियम की दीवारें काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है, और ये सेवन वंडर पार्क में ये दर्शाया गया। और यहाँ पे ना टॉय का गाड़ी वगैरह चलते है, तो बच्चे वगैरह का खेलने वगैरह का सारे सामान उपलब्ध है। तो अभी हम चलेंगे आपको, और यहाँ पर जो 7 अजूबा ना वो 7 अजूबा दिखाएंगे आपको। ताजमहल दिखाया तो, और दूसरा में ये कोलोजियम है जो देख सकते हैं कोलोजियम, और ये इटली में मौजूद है, इसका ओरिजिनल इटली मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे में,
और अभी आगे चलेंगे और आगे का आपको पूरा यहाँ का जो जो है वो सारा चीज़ आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और वीडियो में बने रहें, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना और चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप जैसे यहाँ से एंट्री लोगे ना तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा। उधर से आप गार्डन आओगे एंट्री, यहाँ से गार्डन मारोगे आप ये कोलोजियम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ना आपको ये सबसे पहले ताजमहल देखने को। और मैं आपको एक इंटरेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलादीन का चिराग यहाँ पे लगाया गया। जिन बादशाह से मांगता हूँ कि जिन बादशाह मुझे मेरे जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो, मेरे जो यूट्यूब फैमिली ना जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइब कर दो। ये पीछे से देख सकते हैं जिन बादशाह मेरा विश है ना, मेरा विश आप पूरा कर दो कि मेरा जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे यूट्यूब फैमिली हो जाए। और पूछ रहे हैं हुकुम करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे, ये इसका जो चिराग है ना वो चिराग है और ये है जिन बादशाह। तो आगे चलते हैं और आपको और आगे आपको दिखाते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये चीन की दीवार है, चाइना की जो दीवार है ना, ये देख सकते हैं चाइना की दीवार। ओरिजिनल में आप देखोगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉपी दिखाने के लिए आया हूँ, देख सकते हैं। और मैं इस पीछे में, मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये चाइना की दीवारें हैं, और चाइना की दीवारें आप अगर ओरिजिनल में देखोगे तो और भी खूबसूरत देखने को लगेगा, लेकिन ये कॉपी है, मैं आपको कॉपी दिखाने के लिए आया हूँ। और ये यहाँ पे ना 7 वंडर पार्क, ये गार्डन है, जो गार्डन में ये सब दर्शाया गया, दुनिया के जो 7 अजूबा वो 7 अजूबा इस गार्डन पर दर्शाया गया, तो वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पीछे में ये चीन की दीवार है, मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। वहाँ पर देख सकते हैं वो जो यहाँ से आपको दिखाया ताजमहल, ये दिखाया ताजमहल, ये दिखाया आपको, और ये आप देख सकते हैं चाइना की दीवार। दोस्तों मैंने आपको इस गार्डन में 3 अजूबे दिखा चुका हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ 4थे की तरफ से। ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा ना, ये आपको देखने को मिल रहा, देख सकते हैं ये है ना, ये चिचेन इट्जा है, इसका नाम चिचेन इट्जा, और ये मेक्सिको में मौजूद है। और ये ना दोस्तों 79 फीट और 24 मीटर लगभग लंबा है वहाँ पे। ओरिजिनल आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो ये गार्डन में ना इसको दर्शाया गया है, और मैं अभी वही आपको दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया ना, तो यही सब मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ इस गार्डन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये सामने चिचेन इट्जा है ना, उसी के पीछे मैं हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में आपको दिखाई देता होगा चिचेन इट्जा है, और मैं चिचेन इट्जा आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो 7 वंडर पार्क गार्डन का नाम है ना, तो यहाँ पे ना 7 जो दुनिया के 7 अजूबे ना, वो 7 अजूबे दर्शाए गए, तो वो अजूबे मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और ये गार्डन का ना मात्र 2 रुपये टिकट प्राइस है, आप आ सकते हैं घूमने का, काफ़ी अच्छा है। मैं अभी आया हूँ दोपहर के टाइम में, तो अभी भीड़ वगैरह नहीं देखने को मिल रहा, तो शाम के टाइम आओगे ना आपको तो आपको बहुत सारा भीड़ देखने को मिलेगा। और इस गार्डन में ना आपको टॉय वगैरह गाड़ी वगैरह बहुत चलती है, तो बच्चे वगैरह का खेलने के लिए, बच्चे वगैरह का घूमने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट पार्क है। तो मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ दूसरे पे, आपको अंदर आओगे ना, जैसे जैसे अंदर आओगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देख सकते हैं लिविंग टावर है, ये मेरे पीछे भी देख रहे हैं ना, ये लिविंग टावर इसे कहते हैं, और ये भी ना इटली में मौजूद है, और ये यहाँ के 5वें अजूबे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये लिविंग टावर है। और आपको ना 2 चीज़ उधर देखने को मिलेगा, देख सकते हो वो जो आपको देखने को मिल रहा ना, वो चीज़ उधर देखने को मिलेगा। दोपहर का टाइम है तो भीड़ वगैरह नहीं देखने को मिल रहा, तो चलते हैं आगे, और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रहे हैं। अच्छे देख सकते हैं ये स्टुअर्ट ऑफ लेबोरेटरी है, और इसका जो हम आपको थोड़ा अच्छे इधर से दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं ये सामने से मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये स्टुअर्ट लेबोरेटरी है। और इसका ये ना, ये इसका ओरिजिनल आपको न्यू वर्क में देखने को मिलेगा, न्यू वर्क एक कंट्री है, वो कंट्री में ये मौजूद है, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हैं। और यहाँ से आपको लास्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये लास्ट का है, और इसका नाम क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको देख सकते हैं मेरे पीछे ना क्रिस्टल द रिमाइंडर है, और जो ये भी 7वें अजूबे में आते हैं। मैं थोड़ा आपको इधर से दिखा देता हूँ, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ना दोस्तों, वो सूरज की रोशनी इधर से ही मारी तो अच्छी नहीं दिखती होगी उधर से, तो मैं थोड़ा आपको इधर से दिखाता हूँ, पीछे साइड से आपको थोड़ा समझ में आएगा। देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं, देख ये पीछे से देख सकते हैं ये है, और ये भी दुनिया के 7वें अजूबे में आते हैं। और ये गार्डन में पूरा ना यहाँ पे ये अजूबा दर्शाया गया है, और ये गार्डन अभी हाल फिलहाल खोला गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये है ना, बच्चे वगैरह का खेलने वगैरह का टॉय वगैरह गाड़ी वगैरह पूरा चलती रहती है, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे वगैरह घूमने के लिए। और ये आपको ना पूरा यहाँ पर बच्चे का मेला लगा है, बच्चे का पूरा आपको मैं उधर आपको दिखाता हूँ, ले कर चलता हूँ और वो आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। और ये आपको मैं दीवार आपको अच्छे से नहीं दिखाया, तो मैं अभी चलता हूँ पीछे और पूरा आपको यहाँ पे
कवर करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये बच्चे वगैरह खेलने के लिए। मैं पूछता हूँ यहाँ पे क्या चार्ज है। भाई भाई लो सुनो ना, क्या चार्ज लगता है इसका? 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ में कितना जन बैठ सकते हैं? 60 रुपीज़ में पर पर्सन है। पर पर्सन एक पर्सन में 60 हो। कितने चक्कर घुमाते हैं आप? दो चक्कर होता है। दो चक्कर, दो चक्कर में मतलब 60 रुपये में दो चक्कर। और बच्चे का नकल, 2 साल के ऊपर का बच्चा रहेगा ना हाँ, तो उसका टिकट रहेगा 2 साल का ना। चलो ठीक है, दोस्तों ये आपको दिख रहा ना, ये पूरा गार्डन है। यहाँ पे एक गाड़ी है लंदन बस, तो इसको मैं इसको भी पूछता हूँ इसका क्या प्राइस है। और ये जो लंदन बस है इसका भी प्राइस पूछते हैं। भाई आप घुमाने का कितना प्राइस लेते हो? 50 रुपये पर पर्सन। 50 रुपये कितना जन बैठ सकते हैं आपकी गाड़ी पे? हम लोग की गाड़ी में हाँ ना, ये कितने भी बैठ सकते हैं? 15 जन को लेकर घुमा सकते हैं आप? हाँ, इधर भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा घूमने के लिए सब ऊपर ही बैठता होगा। हाँ, बैठोगे ऊपर हाँ। पूरा घुमा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं नीचे ही से बना लूँगा। मैं बस आपको क्या पूछ रहा हूँ आपके ब्लॉग। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना ये एरिया, ये बच्चे वगैरह का खेलने वगैरह का यहाँ पे सारे कुछ लगा है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे नाइट में आओगे तो आपको और भी देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप पे देख सकते हैं हर जगह आपको देखने को मिलेगा बच्चे वगैरह का। ये देख सकते हैं ये है ना आपको पूरा झूला वगैरह पूरा यहाँ पे ना, ये यहाँ पे बच्चे वगैरह का पूरा यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह लगा है। ये देख सकते हैं ये जो आपको ना ये गार्डन अभी हाल फिलहाल खुला है। तो मैंने आज आपको ना दिखाया 7 अजूबे 7 वंडर पार्क। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 7 वंडर पार्क है। और इसके बाहर में आपको ना ये देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट ना, ये देख सकते हैं किस तानिया फैमिली रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट के बाहर में ये गार्डन है, ये गार्डन में आपको पूरा दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये गार्डन। और ये गार्डन का मैंने ये गार्डन में आपको ना पूरा मैं आज आपको ये गार्डन में पूरा मैंने 7वां अजूबा आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।